Very good morning, all dear students. I am Lieutenant Anil Kumar, Assistant Professor in Commerce Department, Maharaja Agarsen College, Jagatri. Today, we will read about the introductions of the marketing and its concept. Let's start. Before studying about the marketing, कि marketing क्या होता है और किस way में हम लोग या कोई भी business organization marketing को कर सकता है, उससे पहले हमें market के बारे में जानना बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज द मार्केट. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग अपने फिजिकली अराउंड जब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, देन वी विल सी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी आप कह सकते हैं कि जहां पर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो हम उस प्लेस को, एक पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट कहते हैं. बट मार्केट का जो कंसेप्ट है वो इस धारणा से, इस कंसेप्ट से कहीं ज्यादा है. मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ कोई भी बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और वो गुड्स का या सर्विसेज का जब ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट. सो एज यू कैन सी इन द पीपीटी, ए मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर शेयरिंग ए पर्टिकुलर नीड और वांट हु माइट बी विलिंग एंड एबल टू एंगेज इन द एक्सचेंज टू सेटिस्फाई दैट नीड और वांट. बिकॉज जब टू पर्संस, इट मीन दैट बायर एंड द सेलर, तो एक किसी भी गुड्स एंड सर्विस को सेल करना चाहता है, बट अनदर पर्सन वांट टू बाय द सेम गुड एंड सर्विस, और जब वो आपस में चीज को या किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करकर अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को, अपनी वांट्स को जब सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट. सो नाउ वी विल क्लियर द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या होता है? सो एज यू कैन सी, द मार्केटिंग इज द एक्टिविटी or set of institution and process of creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for the customer, clients, partner and society at the large. Ultimately, हम लोग कह सकते हैं कि marketing के अंतर्गत बहुत सारी activity को शामिल किया जाता है, चाहे वो activity purchasing हो, selling activity हो, communicating करना, यानी by the promotion of the goods, हम लोग customer को जानकारी देते हैं जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की गुड्स की क्वांटिटी और क्वालिटीज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में. और जब हम किसी भी कस्टमर को कोई भी सर्विस डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस का जो पॉइंट आता है, जिससे हम कस्टमर के साथ अटैच रहते हैं और विभिन्न प्रकार की कोई दूसरी जो एक्टिविटी होते हैं, उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, फॉर एग्जाम्पल गारंटी एंड वारंटी प्रोवाइड करना, ये सभी प्रकार की जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, ऑल वी कैन से द मार्केटिंग. मार्केटिंग के अंतर्गत परचेजिंग, सेलिंग, गुड्स को डिलीवर्ड करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करना, लाइक द प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, चाहे हम कस्टमर के लिए करें, चाहे हम अपने क्लाइंट्स के लिए करें, पार्टनर्स के लिए करें, और सोसाइटी के लिए भी. जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में सेल करता है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मार्केटिंग का पार्ट बन जाता है. और एक लाइन में हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग का मीनिंग होता है कि हर किसी के ऊपर फोकस करना, ना कि बायर और सेलर के ऊपर. हम बायर को भी ध्यान रखते हैं, हम सेलर का भी ध्यान रखते हैं, और साथ में दोनों से जुड़े हुए, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो, इन सभी सेट ऑफ एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जाता है. मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो दो तरीके से या टू मेथड से वी कैन इंक्लूड. वन इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज द कस्टमर ओरिएंटेड. यानी मार्केटिंग का एक कंसेप्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट पे फोकस करता है, और मार्केटिंग का दूसरा जो कंसेप्ट है वो हमें ये बोलता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. सो ये जो कंसेप्ट है इज टोटली फोकस ऑन द कस्टमर. लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. जैसे इस कंसेप्ट को हम नाम से पढ़ पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग फोकस स्लोली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी इंस्टीट्यूट टू द सेल. इस कंसेप्ट के अंतर्गत, जो कि 1950 से लेकर 1960 के अराउंड ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट था वो पूरा चलता रहा. इस कंसेप्ट के अंतर्गत क्या था कि जो विभिन्न प्रकार की, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो गुड्स को और जो आपके सर्विसेज थे उनको प्रोड्यूस करते थे, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंतर्गत उनका ये मानना था कि इफ वी प्रोवाइडिंग
ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो कस्टमर किसी भी हाल में या किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत दे कैन नॉट डिनाई आवर प्रोडक्ट. सो इफ वी जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट खरीदे. एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर मेरा ज्यादा से ज्यादा इस बारे में फोकस रहे और मार्केट में मेरा जो शेयर ऑफ मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, तो इस अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मार्केट के अंदर मैं अच्छी क्वालिटी का जब प्रोडक्ट्स को कम्युनिकेट डिलीवर्ड करता हूँ तो लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. यहाँ पर इस बात को माना जाता है कि जो आपका कस्टमर है इट्स द वेल अवेयरनेस हैव द वेल अवेयरनेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और आपका जो कस्टमर है वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है जो वेल क्वालिटी के प्रोडक्ट हो और उनको एक लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम तक यानी एक अच्छे लंबे टाइम तक प्रोडक्ट जो है वो उनका साथ दे पाए. इसके अंतर्गत आप कुछ एक बातों को ध्यान में रख सकते हैं कि कंज्यूमर जो होता है वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूमर क्या करेगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं. प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर जो कस्टमर है वो अपनी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो उनको परफॉर्मेंस से मतलब होता है, सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता. और यहाँ पर इफ द कस्टमर are able to purchase the good quality product, they are very ready to pay any price for this. So, अगर उनका जो एक perceptions होता है customer का market के towards, आप लोग कह सकते हैं कि they want to purchase the good quality product. तो यहाँ price जो होता है वो ज़्यादा matter नहीं करता. They are ready to pay any price for a good quality product. Next, if you're talking about customer oriented marketing, as your names it's saying that it's customer oriented. तो इस marketing strategy के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी business organization का जो main point होता है, main focusing जो point होता है वो customer होता है. और यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि customer is the king of the market. यहाँ पर product की quality matter करती है, product की quantity matter करती है, लेकिन सबसे ज्यादा matter ये करता है कि आपका जो customer है वो क्या चाहता है. आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजाइन, कलर, फीचर्स और क्या टेक्नोलॉजी आप लोग उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हो या क्या फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर आप डालते हो, सारा का सारा आपको जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर यू हैव टू डन. बेसिकली इन वन लाइन यू कैन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो आपका मेन पॉइंट ये रहता है कि आपका कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो, आप अपने कस्टमर को खुश कैसे कर पाए, उनकी नीड्स को आप लोग समझेंगे और अकॉर्डिंग टू द नीड यू आर रेडी टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. सो अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, मैं दो तीन लाइनें यहाँ पर ऐड करूंगा. महात्मा गांधी जी के कुछ एक फेमस कोट है, ए कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रेमाइसेस, इट इज नॉट डिपेंड ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. So, as you can say that customer is the king of market. हम लोग कस्टमर से हैं, कस्टमर हम लोगों से नहीं है. It is not an outsider of our business, it is a part of business. अगर कोई भी business organization इस concept के अंतर्गत customer को अपने business का part नहीं मानता तो ऐसे business organization के लिए market में survive करना difficult हो जाता है. Because if any business organization is not able to satisfy the needs of the customer, desire of the customer and that business organization is not able to produce any product or service according to the requirement of the customer, so it's very hard for such kind of business requirement to survive in the market. Agar kisi bhi business organization ko market ke andar jeevit rehna hai, usko apna business long term tak chalana hai, to usko is prakar ki quality ke product jo hain according to the requirement and need of the customer produce karne padenge. Now we're just talking about the principle of marketing. There are four original principle of marketing refer to the 4P or 4P of marketing matrix. इसके अंतर्गत हम जो लोग जो हैं वो focus करेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के 4P हैं. There is four type of the 4P in the market. Named number one product, price, place and promotion. So there is four kind of principle of the marketing: product, price, place
एंड प्रमोशन, और इन सभी को जब कंबाइन रूप में मैं बात करता हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मिक्स. लेट्स एक्सप्लेन द एवरी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग. द प्रोडक्ट कैन बी आइदर ए गुड्स और ए सर्विसेज एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टू द कस्टमर. आप लोगों को प्रोडक्ट के अंतर्गत दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर बेचने के लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए. आई शुड बी यूज ए वेरी गुड टेक्निक्स, गुड रॉ मटेरियल्स, गुड फीचर्स. और मेरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी वे में, चाहे कस्टमर हो या सोसाइटी हो, उनको किसी भी प्रकार से नुकसान करे. दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करती है तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए इट इज टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, डिजायर, वांट्स एंड नीड ऑफ द कस्टमर. अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड्स को कंप्लीट नहीं करता, उसके डिजायर को पूरा नहीं करता, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को डिनाई कर देता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट से आउट होना पड़ता है. तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज का एक जो प्रोडक्ट साइकिल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म तक चले, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो किसी भी प्रकार के कस्टमर को जो है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे. सो हर एक कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाते टाइम टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट वी ऑलवेज केयर अबाउट द नीड्स ऑफ द कस्टमर. नेक्स्ट प्राइस. प्राइस इज द मनी द कस्टमर हैज टू पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज दे रिसीव. और प्राइस क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड एक्सचेंज जब हम करते हैं तो उसकी मॉनेटरी टर्म में जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसको प्राइस बोला जाता है. वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द मॉनेटरी टर्म. जब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस. प्राइस एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, क्योंकि नंबर वन इसके अंतर्गत प्राइस एक वो फैक्टर है जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है. एंड प्रॉफिट इज द बेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइव इन द मार्केट. और दूसरा, हम किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी प्राइस पुट नहीं कर सकते कि जो कस्टमर की लिमिट से बाहर हो या उनकी परचेजिंग पावर से बाहर हो. तो प्राइस एक ऐसी एक ऐसा फैक्टर है जहां पर कई बार जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट प्राइस जो है वो अकॉर्डिंग और रेंज ऑफ द कस्टमर हमें रखना जरूरी होता है. तो इस जब किसी भी प्राइस को पुट किया जाता है, एक बैलेंस्ड प्राइस पुट करना चाहिए जहां पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट भी कमा पाए और साथ ही साथ जो कस्टमर हैं उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से भी वो उनको सेटिस्फाई करे. नेक्स्ट है प्लेस. प्लेस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है. वो ऐसे बढ़ाता है कि अगर उनको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाता है किसी भी कस्टमर के लिए, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है. हाँ, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है, लेटेस्ट फीचर का प्रोडक्ट चाहता है, लेकिन कस्टमर इस बात का भी बड़ा ध्यान रखता है कि जो प्रोडक्ट उनको मिलता है या जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड हो रही है, अगर वो टाइमली और एक अच्छे तरीके से और उनके कन्विंस के हिसाब से अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अवेलेबल करवा पाते हैं, तो कस्टमर इस प्रकार के प्रोडक्ट को भी पसंद करता है. तो जब भी हम मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं या प्रोडक्ट की और सर्विसेज की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें प्लेस जरूर ध्यान रखना चाहिए. इट कुड बी एंड ब्रिंग और मोटर स्टोर और ऑनलाइन वेबसाइट. जरूरी नहीं होता कि प्लेस का मतलब यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस से होता है. आजकल हम ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब सेल परचेज करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्लेस फॉर परचेजिंग और सेलिंग ऑन गुड एंड सर्विसेज. नेक्स्ट प्रमोशन. प्रमोशन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर योर प्रोडक्ट सर्विसेज
कंपनी एंड ब्रांड। प्रमोशन का मतलब होता है कि नंबर एक, अगर जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कस्टमर को यह बताना बहुत जरूरी होता है कि नंबर एक, कंपनी ने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, क्या सर्विसेज प्रोड्यूस की, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ब्रांड क्या है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी सही तरीके से प्रमोशन नहीं कर पाती तो ये माना जाता है, और ये ऐसा एक्चुअल में भी हैपन्स होता है, ऐसा हो जाता है कि कंपनी जो है, जो कस्टमर है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखते। दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, सो वो उस चीज को परचेज ही नहीं कर पाते। सो प्रमोशन शुड गिव कस्टमर ए रीजन टू चूज योर प्रोडक्ट और सर्विस एज वेल एज शो द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग योर प्रोडक्ट। सो वेन दे विल वेल इन्फॉर्म्ड बाय द कंपनी, इफ द कस्टमर वेल इन्फॉर्म्ड बाय द कंपनी फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी उनको बताती है कि वो प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी क्यों है, क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, क्या ब्रांड नेम है, कैसे यूजफुल रहेगा। जब इन चीजों के बारे में उनको वेल अवेयर किया जाता है तो कंपनी इस प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज कर लेती है, कस्टमर इस प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और किसी भी कंपनी के लिए ये बड़ा इजी रहता है कि अगर सही तरीके से किसी प्रकार की मार्केटिंग हो जाती है, किसी प्रकार का प्रमोशन हो जाता है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो कस्टमर के बीच में वो प्रोडक्ट अपनी जगह बनाने में कामयाब then compared to the other product जल्दी होता है। Now we are talking about the function of marketing. First of all, marketing research. Research जो है किसी भी business organization के लिए या किसी business department के लिए आज के time में सबसे important factor. Because research एक ऐसा area है marketing का जहां पर हम लोग क्या नई technology market में आई, number one, number दो, acceptances of कस्टमर क्या है, नई डिमांड क्या हो सकती है, फ्यूचर किसी प्रोडक्ट का लेकर क्या हो सकता है, या फ्यूचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कस्टमर के डिमांड के अंदर और उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है मार्केटिंग के साथ में। ये आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब लॉन्च करती है तो उससे पहले वो एक ट्रायल बेसिस पे, एक छोटे प्लेटफॉर्म पे उस प्रकार की चीजों को वो है जो है लॉन्च किया जाता है। तो मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि भाई हमारी जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी नई रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, कस्टमर की डिमांड्स को ध्यान में रखना, और अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट और डिमांड्स ऑफ द कस्टमर अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना मार्केटिंग रिसर्च के अंतर्गत आता है। जो भी कंपनी इनोवेटिव करती है, इनोवेशन लेके आती है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने में आसानी से रहती है। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्लानिंग। जब भी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है या कस्टमर को देखा जाता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, मार्केट का शेयर किसके लिए हो सकता है, या आप कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो, प्रोडक्शन का लेवल आप किस लेवल तक लेके जा सकते हो, ऑल इंक्लूडिंग आर प्लानिंग वेल इन एडवांस। प्लानिंग इज नथिंग बट इट डिसाइडिंग वेल इन एडवांस कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से चीजों को कैसे करना होता है। मार्केटिंग प्लानिंग के अंतर्गत वी ऑलवेज प्लान फॉर आवर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट शेयर, कस्टमर एंड प्रोडक्शन लेवल हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है, ऑल वी थिंग्स ऑलवेज। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। आप इस पॉइंट को मार्केटिंग रिसर्च से भी जोड़ सकते हैं। ऑलवेज हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर कि नए नए मोबाइल फोन का आना, नए नए प्रोडक्ट का लॉन्च होना, नई नई चीजों का देखना कि क्या है, ये दिखाता है कि एज पर द टाइम पासिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर ऑलवेज बी चेंजिंग। तो हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर हम डाटा इकट्ठा करते हैं, अकॉर्ड डाटा को एनालिसिस किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम चीजों के बारे में कैसे क्या क्या करेंगे। बाइंग एंड असेंबली, ये मार्केटिंग का बड़ा बेसिक फंक्शन है। रॉ मेटेरियल को परचेज करना, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के फिनिश गुड्स को बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मेटेरियल को परचेज करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम बना बनाया हुआ सामान लेते हैं और उसको असेंबल करके एक अपना नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन दोनों चीजों को परचेज करना फॉर द प्रोडक्ट एंड फॉर द सर्विसेज इट्स कॉल्ड द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग।
प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से बनाना बहुत जरूरी, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, इट मीन दैट यू आर गिविंग द ग्रेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब सामान को बेचना ही नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब एक अच्छे सामान को बनाना होता है, मार्केटिंग का मतलब ये भी देखना होता है कि क्या हम वेल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो ऑलवेज वी शुड बी थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, दिस इज ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना जितना ज्यादा जरूरी है, पैकेजिंग प्रक्रिया उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स ऑलवेज गिव ए अट्रैक्टिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव लुक टू योर प्रोडक्ट। कई बार हम लोग पैकिंग से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, मार्केटिंग अच्छे अच्छे पैकिंग में आना, प्रोडक्ट को छोटी पैकिंग में प्रोडक्ट को आना, मीडियम या लार्ज पैकिंग में प्रोडक्ट को पैक करना, ठीक है, और साथ में पैकेजिंग क्या होती है कि मतलब अट्रैक्ट क्रिएट करती है। कई बार कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेता है व्हेन ही और शी अट्रैक्ट बाय योर पैकेजिंग। लेबलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, बिकॉज लेबल के अंतर्गत वी प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, विच कॉम्पोनेंट वी आर यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स एंड सर्विसेज, क्या क्या चीजें आप लोगों ने यूज किया होता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कंपनी का हेड ऑफिस क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, कंप्लेन होने पे आप क्या कर सकते हैं। सो मोस्टली जो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, सारी की सारी बातें जो होती हैं प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, दिस इज द लेबलिंग, और कस्टमर इस चीज को बड़ा गौर से करते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इज नथिंग बट इज प्रोवाइड ए ब्रांड नेम टू योर प्रोडक्ट, ताकि आप अपने दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट से अपने आप को अलग कर सके, लोग आपके प्रोडक्ट को आपके नाम से जाने, दिस इज अनदर फंक्शन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। So packaging, labeling and branding, all three are most important function of the marketing, because इन्हीं तीनों के के on the basis of all three function we attract the customer, we provide information to the customer, and third one is that कि इन्हीं के बेस पे क्या होता है, we are able to differentiate our product from other producer product. Pricing of the product, it is also another main function of the marketing, because price को fix करना ये बहुत ज्यादा जरूरी। As earlier I told the last slide कि आपको ऐसा प्राइस पुट करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे, बिकॉज आपको भी प्रॉफिट कमाना है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, और साथ में हमें एक ऐसा प्राइस भी पुट करना होता है जो कम से कम हमारे जो कस्टमर हैं उनकी आउट ऑफ पॉकेट ना हो जाए, आउट ऑफ लिमिटेशन ना हो जाए। तो प्राइसिंग पॉलिसी बनाते समय हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और कंपनी के प्रॉफिट दोनों को ध्यान रखना बहुत जरूरी। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज का मतलब होता है कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो ये जरूरी कभी नहीं होता कि वो एक ही दिन में अपने सारे प्रोडक्ट को बेच पाए। इसलिए प्रोडक्ट को सही तरीके से हम लोग रख पाए, सर्विस को सही तरीके से हम लोग रख पाए, नंबर वन। दूसरा जो है हमारा जो रॉ मटेरियल आता है उनको सही तरीके से रखना, तो इन सारी बातों के लिए हम लोगों को वेयर हाउसिंग स्टोरेज का सही तरीके से प्रबंध करना जरूरी है, और मार्केटिंग का ये फंक्शन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू रीच आउट ऑफ द कंज्यूमर स्प्रेड ओवर ए वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर टू बी सिलेक्टेड वेल। जब भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको जब सेल किया जाता है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचना है, हमें बीच में रिटेलर को रखना है, हमें बीच में होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर को रखना है। हमें क्या है, कौन से ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे, रेलवे यूज करेंगे, वाया एयर करेंगे, वाया रोड करेंगे, हम कौन सा मोड यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें, ताकि मेन टारगेट क्या होता है, नंबर एक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम रहे और कस्टमर के पास उस सामान को या उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम इजिली पहुंचा पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंतर्गत एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव द थ्री टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वाया एयर, वाया वाटर और रोड, हमें चूज करना चाहिए। और दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, आप रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, आप होलसेलर के थ्रू पहुंचना चाहते हैं, आप कमीशन एजेंट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि ये चीजें
आप लोगों को कैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है, और उसकी कॉस्ट को भी हम लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट हम ज्यादा कर देते हैं तो इट्स ऑलवेज इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमारे लिए या तो प्रॉफिट कम कर देगा या तो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आज के टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर दिया एंड दिस इज द एंड ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, नो नेवर एवर। जैसा मैंने पहले बताया था कि आफ्टर सेल सर्विस इज आल्सो द प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। हम लोग किसी भी खेल में किसी भी टाइम इस चीज को इग्नोर नहीं करते, बिकॉज कस्टमर के एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, हम उनको कितना सेटिस्फाई करवा पाए, क्या गारंटी क्या वारंटी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करवा पाए टाइमली, इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो होता है वो मार्केटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लास्ट एट कंक्लूजन आई वॉन्ट टू से कि नो डाउट मार्केटिंग की डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग कस्टमर के साथ मिलते हैं और डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, बाइंग सेलिंग आफ्टर सेल सर्विसेज एंड डिफरेंट कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बट नाउडे डिजिटल मार्केटिंग हैज इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट फैसिलिटेटिंग द बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट सर्विस थ्रू द इंटरनेट एट जस्ट वन क्लिक। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मार्केटिंग रिसर्च है या जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसेप्ट है वो इन चीजों के बारे में हम लोगों को हमेशा अवेयर करता है, वो बताता है कि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चीजों में बदलाव होते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केट, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच।